मेरे अपोजिशन में रहते हुए भी मैं जनता दल, ये मानना पड़ेगा कि जनता दल भी आधे लोगों का केस लड़ रही है अपने जाति खर्चे से और राष्ट्रवादी जाति खर्चे से लड़ रही है। तो ये हिंदुत्ववादी सरकार के साथ है, इन्होंने बड़ी डीलिंग की है, महाराष्ट्र के मुसलमानों की वोट लेकर धोखा देने का काम किया है। इसके लिए अवैसी साहब जिस दिन भी मालेगांव शहर के अंदर आएंगे तो हम लोग अवैसी साहब के निषेध में उनको काले झंडे भी बताए जाएंगे और उनका इस्तकबाल काले झंडे से ही किया जाएगा। सरकार गिराने में और उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब के संपर्क में थे और इन्होंने सरकार को गिराया। आने में देर हुई इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था, मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूंगा, आज रात मेरी सत्तरी रवानगी है। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर सीएम साहब जो है, कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था और मेरा कल गैर हाजिर रहूंगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। तमामी आए हुए हमारे तमामी पत्रकार साथी, मैं आप लोगों का मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि 12 बजे हमने आपको मैसेज दिया और आप लोग हमारी विनंती पे, हमारी गुजारिश पर आप लोग यहां पर सभी पत्रकार साथी हमारे हाजिर हैं। आज पत्रकार परिषद लेने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है कि कल महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मालेगांव शहर का उन्होंने दौरा किया और उनके साथ महाराष्ट्र के उनके गट के आमदार और कई माजी मंत्री खासदार भी मालेगांव शहर का उन्होंने भी दौरा किया। उनके दौरे से पहले बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया, वातावरण तैयार किया गया, वातावरण तैयार करने का काम किया गया। और मालेगांव शहर ज़िला बने, कल घोषणा होने वाली है, इस तरीके का वातावरण तैयार किया गया और हमारे शहर के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी खूब ये लगा कि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ज़िले की घोषणा कर देंगे, तो इसके लिए उन्होंने भी आनन फानन में एक दिन पहले पत्रकार परिषद लेकर डिमांड कर दिया। और अड़ावा बैठक में भी उन्होंने अपने भाषण के अंदर डिमांड किया और उनको यह लगा कि पत्रकार परिषद ने माननीय मुख्यमंत्री साहब मालेगांव शहर जिला की घोषणा कर देंगे और बहुत बड़ा पैकेज मालेगांव शहर को डेवलपमेंट के लिए घोषणा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी कल नहीं हुआ, ना मालेगांव शहर जिला का घोषणा की गई और ना मालेगांव शहर या मालेगांव तालुके के विकास के लिए, डेवलप के लिए कोई भी फंड या कोई भी निधि या पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस तरीके की मिसाल है। और दौरा होने के बाद अड़ावा बैठक हुई और आश्वासन देकर मुख्यमंत्री साहब यहां से चले गए। मैंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की भी पत्रकार परिषद एक दिन पहले की देखा और वो ये बोल रहे थे और कल भी उन्होंने कहा कि हमारे शहर की आबादी इतनी है और जहां दूसरे शहर के अंदर आबादी कम होने के बावजूद जिला हो गया और मालेगांव शहर की आबादी ज्यादा है उसके बाद भी जिला नहीं हुआ। असल में ये और अड़ावा बैठक में बोलना
मैं समझता हूं कि हमारे शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के नॉलेज कम होने की वजह से जो मैसेज अधिकारियों ने या माननीय मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के उनके सहकारी जो माजी रहे उन्होंने लिए लेकर गए होंगे कि ये शख्स को कुछ नहीं समझता है, यानी एक हंसी का काम हो गया। आबादी ज्यादा रहे कम रहे जिला के लिए ये महत्व नहीं है, आबादी मनमाड़ की कम है उसको महानगर पालिका बना के आप बताओ, नहीं बन सकती। लेकिन मालेगांव शहर की जो महानगर पालिका हुई वो आबादी मालेगांव शहर की बढ़ गई थी, इस आधार के ऊपर मालेगांव शहर को महानगर पालिका किया गया, वो उसके लिए वो कायदा है। लेकिन अगर कोई जिला तुम बना रहे हो तो कम से कम 5-6 तालुके कम से कम होना चाहिए साथ में, सिर्फ मालेगांव शहर जिला नहीं बन सकता, उसको कम से कम 6-7 तालुके मिलना चाहिए, उसकी रचना होना चाहिए, नासिक जिले का विभाजन होना चाहिए, जलगांव जिले का विभाजन होना चाहिए, जब जाके मालेगांव शहर जिला बन सकता है। और जो कई हुआ कांग्रेस पार्टी के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी घोषणा की, अलग अलग वक्त की सरकारों ने घोषणा की, लेकिन आज तक अमल बजूनी नहीं हुई। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसका कारण यह है कि चांदोड़ और देवला वो मालेगांव शहर में नहीं आना चाहता, कलवन मालेगांव शहर में नहीं आना चाहता, विरोध है वहां की जनता का, वहां के ऑल पार्टीज लोगों का विरोध है, इसके लिए वो जिला नहीं बनते, इसके लिए उनका विरोध होने के कारण से अगर मालेगांव शहर को अगर माइनॉरिटी जिला भी बनाना पड़े तो कम से कम मनमाड़ को तालुका घोषित करना पड़ेगा, नामपुर को तालुका बनाना पड़ेगा, या छोटा तालुका बोलकर झोड़गे को एक तालुका बनाना पड़ेगा। अगर विरोध सब कहीं रहा और कोई नहीं आना चाहता और उसके बाद अगर जिला सरकार को बनाना है तो तालुके बढ़ाना पड़ेगा, उसकी रचना करना पड़ेगी, जब जाकर मालेगांव शहर जिला बन सकता है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कल घोषणा नहीं की। इसके लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि जानकारी लेकर अगर अधिकारियों के सामने तुम बोलेगे, आप तो बोल देते हो आपकी जानकारी नहीं है, लेकिन हंसी मालेगांव शहर वालों की होती है कि कैसा नुमाइंदा चुन कर दिए। तो मालेगांव शहर वालों की ऐसी नहीं कराइए, बेइज्जती ना कराइए, पूरी जानकारी लेकर बोलने का काम करेंगे, ऐसी मैं अपील करता हूं। एक बात, मैंने कुछ लैपटॉप के अंदर कुछ वीडियो कुछ सबूत आप लोगों को मुझे आज बताना है, और अवेसी साहब से इम्तियाज जलील साहब से मेरा सवाल है कि तुम्हारी पॉलिसी तुम वाजे करो, इस महाराष्ट्र के अंदर वाजे करो कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है। ये महाराष्ट्र की आवाम को, जनता को और विशेष महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज को तुम धोखा मत दो, ये शहर की आवाम भी और महाराष्ट्र की आवाम भी आपको समझ रही है। माननीय मुख्यमंत्री आए या मंत्री आए शहर में तो वो आमदार जो सेटिंग होता है या खासदार होता है या विधान परिषद का सदस्य होता है या महापौर होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, अड़ावा बैठक के अंदर जो सरकारी कार्यक्रम होता है वहां पर ये सब लोगों को बुलाया जाता है, और जो क्रीड़ा संकुल के अंदर 60 फीडी रोड पर संदेश टॉकीज के सामने कल जो अड़ावा बैठक हुई वहां तक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब गए, वो सरकारी कार्यक्रम था, उसके ऊपर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो पुलिस कॉर्डर का उद्घाटन के अंदर गए वहां तक भी हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो सरकारी प्रोग्राम में वो आमदार है वक्त के, वो जाना चाहिए। लेकिन कल का जो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र और जिले के और
लोकल जो पेपर मराठी थे उसके अंदर जो जाहिरात छपी है, मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरे मोबाइल पर भी है, उस जाहिरात में मालेगांव शिवसेना जो ईदगाह ग्राउंड पर जो शिवसेना का कल सभा थी माननीय मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सभा थी, उस सभा के इश्तिहार में जाहिरात में जहां सुभाष अन्ना कांदे साहब का था वहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी साहब का शिवसेना की जाहिरात के अंदर फोटो लगना एमआईएम के एमएलए का, ये बहुत पुरानी साठगांठ है जो आज सामने कल शहर की आवाम के सामने और महाराष्ट्र की आवाम के सामने आई। वहां पर ये सरकार जो बनी, ये जो सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी, जो भारतीय जनता पार्टी और ये जो शिंदे साहब की सरकार की जो स्थापना हुई उसका मूल मुद्दा जो है, जो बुनियाद है वो हिंदुत्व है। आप देख लीजिए, जब शिंदे साहब का गट ने बंटखोरी की और जब वो गुजरात में गए और गाड़ी से उतरे तो पहला नारा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जहां जहां भी इनकी पत्रकार परिषद हुई, जहां जहां भी सभाएं हुई, जहां भी इन्होंने भाषण किया तो उन्होंने एक बात कहा कि ये सरकार उद्धव जी हिंदुत्व से भटक गए थे, हम हिंदुत्व का साथ देना है, मजबूत करना है, इसके लिए सरकार की स्थापना हुई। कल की सभा के अंदर भी वैसे ही भाषण हुए और उसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब स्टेज के ऊपर बैठे, स्टेज के ऊपर बैठे, उन्होंने पूरा कार्यक्रम अटेंड किया, पूरी जनता ने देखी, शहर ने देखा, पूरी मीडिया ने देखी। एक तरफ इम्तियाज जलील साहब जो आज मुख्यमंत्री का वहां दौरा है औरंगाबाद में, वो दो दिन पहले ये घोषणा करते कि औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ, संभाजी नगर रखा गया, इसके लिए काले झंडे बताए जाएंगे मुख्यमंत्री को। और एक तरफ एमआईएम के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शिवसेना के मंच पर बैठे और उनके आगे पीछे घूमने का काम उन्होंने कल किया, इसकी सफाई इम्तियाज जलील साहब अवेसी साहब महाराष्ट्र की आवाम को दे, गुमराह करना बंद करे। मेरा यह मानना है, इससे पहले भी मैंने एक सभा के अंदर आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था, और मेरा आज भी यह मानना है कि यह जो सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, जिसके सुल्पकार, जिसके मुखिया आज के मुख्यमंत्री है, मैंने उस वक्त तो भी कहा कि राज्यसभा में और विधान परिषद के अंदर इन्होंने सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, मैं तमाम ही सबूत आपको बताऊंगा। पहला आप देख लीजिए के वो बताऊं वाला, नहीं नहीं वो हिमंत, हिमंत वाला, इम्तियाज जलील वाला, ये पहले राज्यसभा के निवडणूक वाली वीडियो है। ये हेमंत पाटिल है, ये हेमंत पाटिल है खासदार शिवसेना, आगे बढ़ा जाए वो जो वाला गाड़ी वाला, ये देखो ये उसी होटल के बाहर निकल के इम्तियाज जलील साहब मुफ्ती इस्माइल साहब थोड़ा पीछे ले, थोड़ा से पीछे ले, टैक्सी में बैठने से पहले वाला,
एक मिनट, मेरा ये बोलना है कि ये वीडियो आपने देखा, इसमें मुफ्ती साहब भी है, इम्तियाज जलील साहब भी है, हेमंत पाटिल भी है, शिवसेना के खासदार। अब बताइए कि खासदार साहब के पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है, आमदार साहब तो मैंने देखा कि मुंबई जाते तो प्राइवेट गाड़ी में जाते, तो फिर ये टैक्सी में घूमने का मकसद क्या? और हेमंत पाटिल जो खासदार शिवसेना के थे उस वक्त, उनके साथ होटल में मीटिंग करने का मकसद क्या था? और ये राज्यसभा के इलेक्शन के दो दिन एक दिन पहले की वीडियो है। उसके बाद दिल्ली का बताओ, एकनाथ शिंदे साहब के साथ, मैं इसके लिए जलील साहब के साथ में, जिन्होंने पत्रकार, जिन्होंने होटल के अंदर मीटिंग की, ये हेमंत पाटिल ये खासदार है, और जो 12 खासदार शिंदे साहब के गढ़ में गए, ये भी उनके साथ उस गढ़ में गए। और राज्यसभा की सीट शिवसेना की जो महाविकास आघाड़ी सरकार की एकत्र इलेक्शन लड़ा गया, वो एक सीट शिवसेना की हारी, जो कोल्हापुर की पवार नाम के व्यक्ति की थी। और इसके अंदर शिवसेना ने भी आरोप लगाया कि ये जो सीट गिरी है, ये गढ़ जो बन चुका था अंदर ही अंदर, और उसके बाद ये सीट इन्होंने मिलकर गिराई और भाजपा की सीट चुनकर आई। और इसकी जो डीलिंग इनकी हुई थी, मैं इस साफ अल्फाज में कहता हूं, मेरा इल्जाम है, इसकी भी सफाई देना पड़ेगा इम्तियाज जलील साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब को, और एमआईएम को, अवेसी साहब को, महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा कि आप मुझे बताइए, इम्तियाज जलील साहब ये लोग बताइए कि जैसे ही राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन जो एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास मंत्री थे, 15 करोड़ का ऑर्डर औरंगाबाद के लिए उनके डिपार्टमेंट से इश्यू होता है, 10 करोड़ का ऑर्डर विकास निधि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को डीआर मिलता है, और महाविकास आघाड़ी सरकार की सीट गिर जाती है। अब इन्होंने यही नहीं रुका, अब मुसलमानों को कैसे धोखा देना, इन्होंने नया फंडा शुरू किया उसी रात के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको, सुप्रिया सुले वाले, ये मीटिंग करने के बाद इन्होंने जानबूझकर ये फोटो खिंचवाया, उस होटल में गए जहां एनसीपी के एमएलए लीडरान रुके हुए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी, कि हम आपके साथ है, महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ है। अब सवाल यह है कि आप वहां पर भी मीटिंग करें, आपने यहां पर भी आकर मीटिंग की, और उसके बाद में यह फोटो जबरदस्त तरीके से उस वक्त तो वायरल किया गया, और यह कहा गया कि हमने इमरान प्रताप बड़ी को वोट दिया, और उससे भी जाकर इन्होंने दूसरी होटल में जहां कांग्रेस के लोग रुके थे मिल लिए, यानी वोट कहां गई? एक बात एकदम साफ है, मैं फारूक शाह की कोई हिमायत नहीं कर रहा हूं, फारूक शाह ने एकदम साफ अल्फाज में बयान किया था कि मैं महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ हूं, ये टीवी चैनल के ऊपर मौजूद है, टीवी चैनल आलोक पास। अब अगर आपको देखना है तो मुफ्ती इस्माइल साहब जब वोट देकर बाहर निकल रहे थे, वो बताइए, अब बात यह है कि फारूक शाह बोल रहे कि मैंने महाविकास आघाड़ी सरकार को वोट दिया, मुफ्ती साहब बोलते मैं वोट बताई नहीं जाती, अरे ये ओपन वोट होती है क्योंकि इनका प्रतिनिधि वहां बैठा नहीं था, तो ये बता सकते थे हम इनके साथ है, पार्टिंबर सब डिक्लेयर कर रहे थे, ये इन्होंने सरकार गिराने में, और उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब के संपर्क में थे, और इन्होंने सरकार को गिराया। अब उसका सबूत, जब मुफ्ती साहब बोल रहे मैं हज पे गया, मुझे बताइए मुफ्ती इस्माइल साहब के लीडर कौन है,
अवेसी साहब हैं, हम ये मान लेते हैं अवेसी साहब हैदराबाद में रहते, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद में रहते, उनको बोलते कि यार मैं हज पे जा रहा हूं, न तो आपकी गलत फहमी हो जाएगी कि मैं हॉल में नहीं था, उनको बोलते ना। अगर तुम्हारी पॉलिसी क्लियर रहती तुम उनको बोलते, तुम जहां पर शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सब रुके हुए थे, उनका गट रुका हुआ था ताज होटल में, आप वहां पर मुलाकात करने के लिए एक दिन पहले क्या कर रहे थे? मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है, तो हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का काम होगा और निपटा के मैं आ जाऊंगा। मैं वहां गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूंगा, आज रात मेरी सत्तरी रवानगी है। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर, सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था, और मेरा कल गैर हाजिर रहूंगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। अब उनको क्यों मालूम रहना चाहिए? ये उनके लीडर रही है, नहीं उनके लीडर शिंदे साहब नहीं है, उनके पक्ष प्रमुख शिंदे साहब नहीं है, और जब इनकी पॉलिसी डिसाइड हो गई थी कि हाउस के अंदर तटस्थ रहना है, तो हाउस में जाकर एक इन्होंने ठीक है हज पे एक दिन गए, दूसरे एक एक अध्यक्ष का चुनाव था उसमें भी तुम लेट पहुंचे, बोले हो गया, बोले मैं इधर लेट हो गया, दूसरी बात फिर तुम हज पे चले गए, फिर वो चुनाव, बोलने का मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, और इनकी साठगांठ आज से नहीं, ये पहले से चल रही थी, और कल ये बात मालेगांव शहर और महाराष्ट्र की जनता के सामने आ चुकी है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गट की जो सरकार है, जो हिंदुत्व के नाम पर बनी है, इनका मैनेज गेम था, इनका फिक्सिंग था, और पूरा फिक्सिंग से ये चल रहा है, और कल उसका सबूत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शिवसेना के जलसे के सभा के अंदर स्टेज पर बैठे थे, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। ये पूरी लिंक उनकी वहां से आज तक जुड़ रही है, इसका जवाब मैं इम्तियाज जलील साहब अवेसी साहब ने महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा, और नहीं अगर आपने दिया तो आप कॉरपोरेशन के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर आप जब घूमोगे तो ये तमाम ही सबूत के साथ में हमारी पार्टी के प्रचार के वक्तों में हम जाकर जनता को बताएंगे, और मालेगांव शहर के अंदर अवेसी साहब या उनके बिरादर अगर वो मालेगांव शहर के अंदर आएंगे तो ये हिंदुत्ववादी सरकार के साथ है, इन्होंने बड़ी डीलिंग की है, महाराष्ट्र के मुसलमानों की वोट लेकर धोखा देने का काम किया है, इसके लिए अवेसी साहब जिस दिन भी मालेगांव शहर के अंदर आएंगे तो हम लोग अवेसी साहब के निषेध में उनको काले झंडे भी बताए जाएंगे, और उनका इस्तकबाल काले झंडे से ही किया जाएगा, और नहीं तो इन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं ये चीज मान सकता हूं कि एमएलए को मुख्यमंत्री पर जाना पड़ता है, वजीर पास जाना पड़ता है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन तुम मंत्रालय में जाके तुम मेमोरेंडम दो, मुलाकात करो, फंड की मांगनी करो, डेवलपमेंट की मांगनी करो, ये बात क्लियर है। एक वीडियो सिर्फ तुम देख लो 25-25 करोड़ की, जब वोटिंग का मौका था राज्यसभा की और एमएलसी की, तो हमने डिमांड
डिमांड की है और हमारी डिमांड ये थी कि आप हमें 50 करोड़ रुपया मालेगांव के विकास के लिए आप दो। 25-25 करोड़ रुपये की डिमांड हमने दो मरतबा की और उन्होंने उसको मंजूर किया। आप जीआर निकलता उससे पहले सरकार के मामले में जो भी है वो आपको पता है, लेकिन नसीब की बात यह है कि जिन्होंने हमारी डिमांड मंजूर की थी आज वो हमारे स्टेट के हमारे राज्य के जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। वही ये उम्मीद है, यकीन है कि जो उन्होंने वादा किया था मालेगांव मंत्री के लिए 50 करोड़ रुपया फंड देने का और उसी के साथ जो है 15 करोड़ रुपये का। एकदम साफ बात, राज्यसभा और विधान परिषद एमएलसी के चुनाव में इन्होंने वादा किससे लिया था? एकनाथ शिंदे साहब से। एकदम साफ बात, वो खुद कबूल करे मुफ्ती साहब ने कि 25-25 करोड़ मैंने मांगा और बोले खुश नसीबी की ये बात है कि अब वो मुख्यमंत्री राज्य के बन गए। तो मुझे बताओ कि इन्होंने कांग्रेस या राष्ट्रवादी के या शिवसेना जो उद्धव जी के, क्या उनके उम्मीदवार को वोट दिया? क्या शिंदे साहब के बोलने पर ही वोट दिया और शिंदे साहब ने बंडखोरी की, शिवसेना के सीट को गिराया विधान परिषद में भी और राज्यसभा में भी, ये उनके साथ थे। इस बात का इकरार उन्होंने खुद चैनल के ऊपर कर चुके हैं, ये बात बिल्कुल वाजे हो गई। इसके लिए इसका जवाब ये जनता को मिलना ही चाहिए। मुसलमानों के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट लेना और उसके बाद मुसलमानों को बेच डालना, सौदा कर लेना, वो भी हिंदुत्ववादी सरकार से, इसका जवाब अवेसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को देना है। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई किसी, मैं भी जाता हूं मुख्यमंत्री से, मैं भी मिल के आया हूं, मैं भी जाता हूं तो वक्त की सरकार से मिलता हूं, मेमोरेंडम देता हूं, डिमांड करता हूं, लेकिन मंत्रालय में, ऑफिस पे, बंगले पे। तुम कल यहां तक जाते अड़ावा बैठक में, वहां डिमांड करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तुम शिवसेना के मालेगांव, शिवसेना वो जाहिरात है, वो जाहिरात भी आप शूट कर लो, वो जाहिरात शूट कर लो, बड़ा करो उसको, राजे को बड़ा ही है। ये बाला साहब का फोटो है, आनंद दिघे साहब का फोटो है, मुख्यमंत्री साहब का फोटो है, ये बीजेपी और शिवसेना के एमएलए है, ये मालेगांव शिवसेना की जाहिरात है और मुफ्ती इस्माइल साहब की जाहिरात में नाम है। और उसके बाद ये सबूत हो गया कि कल वो स्टेज के ऊपर बैठे, तो इसका मतलब क्या है? तुम वहां तक जाते तो मैं कुछ नहीं बोलता, हम खामोश रहते, लेकिन आप उसके गए, इसका मतलब आपकी साठगांठ एमएलसी और विधान परिषद से पहले थी और आप हर जगह इनके साथ इन्वॉल्व है, हिंदुत्ववादी सरकार का आप सपोर्ट कर रहे हैं अंदर बैठे, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। इसका जवाब मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी देना चाहिए, इम्तियाज जलील साहब ने भी और अवेसी साहब ने भी देना चाहिए। इसीलिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई गई है। और एक बात उन्होंने कही, मैं ये बात का जिक्र कर दूं कि 12 नवंबर कल उन्होंने अड़ावा बैठक के अंदर कहा कि 12 नवंबर का केस वापस लिया जाए, ये बात उन्होंने कहा। ये 12 नवंबर की घटना जब से हुई आज 10 महीने गुजर रहे, ये कभी भी, ये 10 महीना पहले भी एमएलए थे, ये जब डिमांड नहीं करते कि केस वापस लो, उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, कोर्ट के अंदर वकील नहीं खड़ा करते उनके तरफ से, जमीयत का बाजू में रखो, उनकी पार्टी के तरफ से कोई वकील नहीं खड़ा हुआ, हाईकोर्ट में वकील खड़ा नहीं हुआ, अब जब ये जो केस है ये हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जमानत की अर्जी अब हाईकोर्ट में केस चल रहा है, एक राष्ट्रवादी पार्टी केस लड़ रही है, पार्टी के खर्चे से हम लोग उनको छुड़वा रहे हैं। और मैं, मेरे अपोजिशन में रहते हुए भी, मैं जनता दल, ये मानना पड़ेगा कि जनता दल भी आधे लोगों का केस लड़ रही है अपने जाति खर्चे से और राष्ट्रवादी जाति खर्चे से लड़ रही है। तो ये जो कानूनी बात है कि टेम्पो कोर्ट मैटर हो चुका है, केस दर्ज हो चुकी है, उस पर अब ट्रायल होगा, हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सिर्फ आवाम को बताना कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने बोला, सिर्फ वो गुमराह करने का काम मुफ्ती इस्माइल साहब कर रहे हैं। मैं मुफ्ती साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप शहर को गुमराह मत करिए, बिला वजह आपको कानून नहीं समझता, जो चीज़ नहीं समझती वो चीज़ तकरीर बोलकर और आपके अंधे भक्त सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, अखबार में छपा कर आप शहर के आवाम को गुमराह करने बंद करें, यही मैं उनसे गुजारिश करूंगा। और इसीलिए आज ये पत्रकार परिषद बुलाई गई थी।